हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल की जो कॉर्ड है ना, वो उसके रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इस कॉर्ड से उस सर्कल की माइनर आर्क के ऊपर जो एंगल बनेगा वो आपको बताना है, और इस कॉर्ड से सर्कल की जो मेजर आर्क है उसके ऊपर जो एंगल बनेगा उसका मेजरमेंट आपको बताना है। यहाँ पे मैंने फिगर के अंदर पी क्यू ए कॉर्ड बनाई हुई है, और ये जो है सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो पहले सवाल को करने से पहले ना, आप इसके दोनों रेडियस को ज्वाइन कर लें। ये रेडियस है, इन्हीं के बराबर मैंने इस कॉर्ड को बनाया है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि माइनर आर्क के ऊपर एंगल जो बनेगा वो बताइए वो कितना होगा। तो माइनर आर्क यहाँ पर ये पी क्यू है, और यहाँ पे मैंने ये एंगल बी मान लिया है कि यहाँ पे एंगल बी बनेगा। तो मैं इनको ज्वाइन करके बना लेता हूँ जिन जिन की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो ये एंगल तो बनेगा माइनर आर्क के ऊपर। मेजर आर्क है ये बड़ी वाली आर्क, और यहाँ पर मैंने पॉइंट ए ले लिया है जहाँ पर एंगल बनेगा। इसे भी मैं यहां से ज्वाइन कर लेता हूं। तो इसमें आपको एंगल ए की वैल्यू बतानी है और एंगल बी की वैल्यू बतानी है। एंगल ए मेजर आर्क के ऊपर बना हुआ है, एंगल बी माइनर आर्क के ऊपर बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थ्योरम 10.8 एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं, उसी का बेसिकली इसके अंदर यूज होगा। थ्योरम कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए, ये कोई सर्कल है, ये सेंटर है, यहां पे कोई दो पॉइंट्स हैं, एक कॉर्ड है, पॉइंट है, आर्क बन गई। मतलब कि इसका ये कि ये आर्क है। अब इस आर्क से, ये पी क्यू एक आर्क है, इस आर्क से सेंटर पे एंगल बन गया है, ये एंगल नंबर वन। तो ये डबल होगा इस एंगल से जो मैं नंबर टू बना रहा हूं। ये नंबर टू कहीं और पर है, तो सेंटर वाला एंगल जो है डबल होता है किसी और पॉइंट पे, जो सर्कल के ऊपर कहीं और पॉइंट पे एंगल बनता है ना, ये उसका डबल होता है, यानी सेंट्रल एंगल डबल होता है। अब यही हम इस काम को, थ्योरम को अपने इसमें यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यह दे रखा है कि पी क्यू जो है ये कॉर्ड है, ये सर्कल के रेडियस की लेंथ के बराबर है। मैंने दोनों रेडियस ज्वाइन कर दिए हैं, ये पी क्यू बना हुआ है, तो ओ पी क्यू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। यहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी ओ एंड ओ क्यू, तो देयर फोर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका सारे के सारे एंगल तीनों 60 डिग्री के होंगे, तो ये जो एंगल O है ये 60 डिग्री का होगा। तो देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये जो 60 डिग्री है ये बन रहा है सेंटर के ऊपर एंगल। मैंने बताया ना सेंटर पे, ये पी क्यू एक कॉर्ड है, इससे सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है। अब ये डबल होगा किसका, एंगल A का, क्योंकि ये थ्योरम है। तो एंगल पी ओ क्यू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। रीजन में पूरा आपको थ्योरम लिखनी है जो मैंने अभी समझाई है, आप इसको पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि थ्योरम 10.8 का यहाँ पे आपको यूज़ करना है। अब ये इसका ट्वाइस है, पी ओ क्यू की वैल्यू मुझे पता चल गई है 60 डिग्री। तो इक्वेशन बन रही है यहाँ से 2 पी ए क्यू, मुझे एंगल पी ए क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 यहाँ पर आकर डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल पी ए क्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक काम तो मैंने कर लिया है, मैंने एंगल ए की वैल्यू निकाल दी है, और एंगल ए जो है ये है मेरा मेजर आर्क के अंदर, तो ये आंसर आ गया 30 डिग्री। तो एंगल ऑन मेजर आर्क इज 30 डिग्री। अभी मुझे माइनर आर्क में भी निकालना है।
माइनर आर्क में आप निकालते वक्त थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्या होगा कि जब ये सर्कल है ये इतना एंगल 60 डिग्री का है, तो इसके जो बाहर बाहर का एंगल है ये आपको निकालना पड़ेगा। अब पूरा जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का, जिसमें से इतना पोर्शन अगर 60 डिग्री का है तो बाहर बाहर का आपको पता चल जाएगा 360 में से माइनस करके, यानी पी ओ क्यू का आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, वो सेंट्रल एंगल माना जाएगा इस बी के लिए, जो बी बन रहा है ना आपका माइनर आर्क के ऊपर, इसका जो सेंट्रल एंगल माना जाएगा वो ये माना जाएगा। तो यहां से मुझे निकालनी होगी वैल्यू रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू की, और ये हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री, ये अंदर वाला, तो ये 300 डिग्री आ गई वैल्यू। तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू 300 डिग्री का आ गया है। अब ये जो 300 डिग्री है ये इस बी का डबल होगा, क्योंकि इसके लिए, इस बी के लिए सेंट्रल एंगल यहां पर बना हुआ है। आप इसको ध्यान दें, ये बड़ी बड़ी कॉर्ड है ना, बड़ी कॉर्ड ने जो एंगल बनाएगा वो एंगल भी बड़ा होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल बनाया इसने 300 डिग्री का, तो बड़ी कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया 300 डिग्री का। अब यही अदर पार्ट पे बना रही है एंगल बी को, तो बी इसका हाफ होगा, तो यहां लिखेंगे, अब ये जो रिफ्लेक्स है आपका पी ओ क्यू ये डबल होगा एंगल पी बी क्यू के, यानी इसका डबल होगा, इसकी वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुका हूं 300, इसका डबल यहां ट्वाइस भी लिखना है, तो ये डबल होगा एंगल पी बी क्यू का। अब इक्वेशन बन रही है साफ साफ, तो एंगल पी बी क्यू हो जाएगा इस 300 का हाफ, यहां टू है ना, यहां आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू 150 डिग्री, और ये जो पी बी क्यू बना है ये आपका माइनर आर्क में यानी कि छोटी वाली आर्क के अंदर बना है। तो यहां से मुझे मेरा दूसरा एंगल भी पता चल गया, एंगल ऑन माइनर आर्क इज एंगल बी, और वो क्या है 150 डिग्री, दोनों एंगल मुझे पता चल गए। तो क्वेश्चन खत्म, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।